खत्म होगा अत्याचार, आप देखेंगे सिर्फ समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ सुनैना, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24। तो चलिए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हत्या के मामले में फरार चल रहे अभियुक्तों को पकड़कर पुलिस ने जेल भेजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के निर्देश अनुसार जनपद मथुरा में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कस्बा गोवर्धन में पुलिस ने आज हत्या के मामले में चल रहे फरार अभियुक्त शीतल पुत्र ओम प्रकाश केहरी को पकड़कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि रोहित उर्फ रोनू पुत्र पद्मा जोगी निवासी चकलेश्वर की कुछ दिन पूर्व उसके तीन साथियों अनिल भाटी, शीतल पुत्र ओम प्रकाश केहरी और लखन पुत्र गरीबा ने नशे की हालत में रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी थी। उपरोक्त मामले में एक अभियुक्त अनिल उर्फ वाटी को पुलिस ने तत्काल पकड़कर जेल भेज दिया है। बाकी दो अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए पुलिस की तलाश चल रही है, जिसमें मुखबिर की सूचना पर शीतल पुत्र ओम प्रकाश केहरी को एकता तिराहे के पास हत्या में प्रयोग की गई रस्सी सहित गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त एक रस्सी भी बरामद की गई। क्षेत्र अधिकारी गोवर्धन वरुण कुमार सिंह ने बताया कि मामले में वांछित एक अन्य अभियुक्त लखन पुत्र गरीबा की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और शीघ्र गिरफ्तारी कर सभी अभियुक्तों को जेल भेजा जाएगा। रिपोर्ट मनीष शर्मा, गोवर्धन, हिंदुस्तान न्यूज 24। सर, गोवर्धन में प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ये थाना गोवर्धन जनपद मथुरा का एक काफ़ी अच्छा गुटवर्क है। हत्या के मुकदमे में फरार चल रहे एक मुख्य अभियुक्त को पुलिस ने बीती रात गिरफ्तार किया है। ये थाना गोवर्धन पर दिनांक 9/12/2019 को एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। उसमें कुल तीन व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें जो एक मेन अभियुक्त था शीतल, जिसका नाम है, उसको बीती रात पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसी व्यक्ति से जो आला कत्ल है जिसमें रस्सी का प्रयोग किया गया था हत्या में, तो पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार किया है।